देहरादून जिले के विकास नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। बता दें कि विकास नगर में पछबा दून जिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस एकजुटता के साथ जनता के मुद्दों को उठाएगी और लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 5ों सीटों पर जीत हासिल करेगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने बताया कि कार्यकारिणी में 150 से अधिक कार्यकर्ताओं को जगह देते हुए कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी की घोषणा में देरी जरूर हुई है, लेकिन कार्यकर्ता एकजुट है और लगातार जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों को समझा रहे हैं। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। ऐसा नहीं है, कोई भी कार्यक्रम हमने जो जनता के मुद्दे जिस भी पटल पे रखने थे हमने उन्हें प्रमुखता से रखा है, ऐसा नहीं है। और हमारी कांग्रेस कमेटियां, बूथ कमेटियां ऑलरेडी गठित हो चुकी हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो देर जिला कार्यकारिणी में हुई है, लेकिन मैंने कहा ना कि चुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं लोगों की भरमार है, उनमें से कुछ लोगों को चुनना बहुत मुश्किल काम है। और जहां तक रही लोकसभा चुनाव की बात, तो निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव हमारे सर पे है और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, प्रत्येक पदाधिकारी बिल्कुल तैयार है चुनाव के लिए। हम बिल्कुल चुनाव में जाएंगे और 5ों सीटें बाकी जीत के कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेगा।